नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो हम सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 35 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पीछे 34 सेट का हमने वीडियो बना रखा है और प्ले लिस्ट भी बना रखा है। यदि इससे पीछे 34 सेट नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाकर पीछे वाली सेट देखिए, ठीक है, पूरा देखिए, तब जाकर पूरा आपको तैयारी होगा, ठीक है। दोस्तों कोई भी चीज़ के यदि शुरू से आप कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। दोस्तों कहना एक बात है कि मेहनत कीजिए पूरा जम के, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा समय 3:00 हो रहा है रात, ठीक है, 3:17 हो रहा है अभी रात है, ठीक है। यानी कि सोच लीजिए 3:17 में वीडियो बन रहा है, इसका मतलब इससे पहले आधा घंटा सेट करने में लगता है, ठीक है। यानी कि 2:00 से हमने इस काम में शुरू किए हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए तब जाकर आपको नौकरी मिलेगा, और मेहनत कीजिएगा तो ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान के साथ साथ आपको नौकरी भी मिलेगा। और नहीं मेहनत करना है तो पढ़ाई छोड़ देना अच्छा रहेगा। पैसा बर्बाद करने से, समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों एक आवश्यक सूचना है कि यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो उसके लिए एक चैनल बना है जिस चैनल का नाम है RP ऑनलाइन क्लास 9th 10th। इस पे बिहार बोर्ड वाले के लिए क्लास 9th और 10th को पढ़ाया जा रहा है और एकदम सरल भाषा में सब विषय का तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो इस चैनल के बारे में उनको बता दीजिए, इस पर एकदम आसानी से तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। हाँ दोस्तों अभ्यास पेपर सेट 35 के क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ है, आज हम सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है यदि 3x³ = 375 हो तो भैया x के मान आपसे निकालने के लिए पूछ दिया है, x के मान पूछ दिया है। 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 कम 3 3 6 और 3 5 15 x, और क्यूब हटेगा तो बराबर के उधर क्यूब रूट चढ़ेगा और 125। x बराबर 125 का घनमूल होता है 5। आपसे x के मान पूछा है, x का वैल्यू है 5, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुना है 1.07 × 10.3। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है ना बिना पेन पेपर के बनने वाला है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन देखिए, गुना करने के बाद दशमलव कितना अंक बाद आएगा, देखिए 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 अंक बाद आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 3 अंक बाद दशमलव कौन है, दाहिने साइड से, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। खटक से टिक मार दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन बनाने का तरीका देखिए, मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव का हम बाद में करेंगे। दशमलव नहीं है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ज़्यादा ज़्यादा वाला गुना कीजिएगा तो 7 × 3 = 21 आएगा। अब तिरछा तिरछी जोड़ दीजिए, 107 में 3 जोड़ दीजिए या 103 में 7 जोड़ दीजिए, तो 107 में 3 जोड़ेंगे तो 110 होगा, बस 110 पीछे लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव कितना अंक बाद है, 1, 2, 3 अंक बाद, तो दाहिने साइड से 3 अंक बाद अभी बैठा दीजिए, 1, 2, 3 दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों ये सब ट्रिक बता रखे हैं, गुना का 10 टाइप पढ़ाए हुए हैं, 12 जाकर देख लीजिए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करो। दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन का सलूशन जब नहीं रहता है तो इसका तो सलूशन होना ही नहीं है, इसमें एकदम गारंटी है सलूशन नहीं होगा। लेकिन हम तो बताएंगे ही भाई, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा, ठीक है। तो आपसे भैया पूछ दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपसे पूछ दिया है,
चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम वर्ग दोनों तरफ कर दिए, बराबर के दोनों तरफ अब समान काम कर सकते हैं भाई साहब, आप आजाद हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू ए के मतलब कॉस थीटा और बी के मतलब साइन थीटा, हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। और बराबर रूट दो के स्क्वायर कीजिएगा तो दो होगा, और कॉस थीटा के स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इधर रख लेते हैं टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को इधर रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में दोनों है तो इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चाहें तो हम इसको एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन पहले आप सीख लीजिए, ठीक है, ट्रिक ट्रिक के फिर नहीं रहिए। दोस्तों ट्रिक के नाम हम रखे हुए हैं धोखेबाज, यदि प्रत्येक दिन इसको रिवाइज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्या है टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर दो को कॉस स्क्वायर थीटा में से एक को चल जाएगा तो एक बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बचेगा अब माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, याद ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ही चले गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो वही बात यहाँ कर दीजिए, एक बार दोनों के जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, इतना का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान दिया था रूट दू कॉस थीटा, तो इतना का जगह हम इतना लिख दिए और इतना गुना में रहने दिया जाए, ठीक है। चलिए रूट दू कॉस थीटा गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या है दू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अरे गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा रूट दू कॉस थीटा, इधर क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा, यही तो भैया आपसे पूछा है। तो देखिए कॉस से कॉस कट गया, आई दू को रूट दू गुना रूट दू नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो इसमें दू गो रूट दू है तो एक रूट दू से एक रूट दू कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, तो इधर क्या बच गया, इधर इधर चलिए यहाँ लिख देते हैं, इधर बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आ इधर क्या, चलिए इधर नहीं दिखता है, थोड़ा नहीं दिखेगा इधर, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, इधर क्या बच गया रूट दू, इसको मिटाते हैं, क्या बच गया यहाँ देखिए ना, इसी के मान तो पूछा है, तो इसको लिख दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर क्या बच गया रूट दू साइन थीटा, रूट दू साइन थीटा, तो भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए वीडियो समझ में आया और एक क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हायो रब्बा दिल जलता है झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। भाई साहब सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर मतलब इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है। तो दो भुजा के वर्ग कीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है। दोस्तों न्यून कोण मतलब नन्ही को, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा न्यून कोण, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, पिछली वीडियो में भी पढ़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों ये सब गर्दा उड़ा दिए हुए हैं इस राम सिंह यादव जी के बुक से, ठीक है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। घन जो होता है ना, घन का प्रत्येक भुजा समान होता है, ठीक है। तो घन मतलब घर मान लीजिए ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान हो, तो घर में कई गो दीवार होता है, चार गो दीवार होता है, एगो ऊपर पाँच गो, एगो फर्श नीचा, छः गो होता है ना घन में, छः गो होता है फलक बोलिए ना इसको, चार गो दीवार, एगो छत, एगो फर्श, यानी छः गो होता है। तो एगो का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब बड़ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो छः गो सतह है तो छः गुने भुजा स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब रगड़ घसर दिए हुए पूरा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा छः गुने भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताया। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का मतलब आधा, क्षेत्रफल इतना हो गया अर्धवृत्त का, जबकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 308, आपसे त्रिज्या पूछ दिया है, पाई क्या मान लिख दीजिए भैया 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, आ दो भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 308 गुना 8 सॉरी 616 ना होगा, चलिए गुना कीजिए तो भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 22 दूनी 44 में से 44 जाएगा तो 11 में से 7 और यहाँ बचेगा 1, अब 22 7 100 होता है 22 8 176 होता है 8 9 16, हाँ 22 8 यानी 22 से 616 28 बार में कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 28 को लिख सकते हैं, 4 7 28 लिख सकते हैं, 4 × 7 लिख सकते हैं 28 को, आई 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, आई स्क्वायर हटेगा तो बराबर को जरूर चढ़ेगा, आर बराबर 4 के वर्गमूल 2 और 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर आएगा, 7 × 14 सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 14 मीटर त्रिज्या निकल के चला आया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 हो तो अंतर बताएं। देखिए दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1:3, ये दोनों संख्या का रेशियो है, ठीक है, बोला है कि दोनों संख्या का योग 240 है। दोस्तों रियल वैल्यू में इसको रियल बोलते हैं, इसको अनुपातिक वैल्यू बोलते हैं, दो संख्या का योग दिया है यहाँ, तो यहाँ भी अनुपात में योग निकलिए दोनों का, तो 3 × 1 = 4 योग हुआ, जबकि रियल में 240 दिया हुआ है, अनुपात 1 = 4 × 6 = 24 = 60 आ गया। आपसे अंतर पूछा है तो अंतर दोनों में कितना है, अंतर तो अंतर अनुपात में 2 है, अनुपात 1 = 60, 60 × 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पिछली सेट में पढ़े हैं 39 नंबर क्वेश्चन, बड़ी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और 2x + 2 x + 3 + 8 और यहाँ ऐसे है, ठीक है, और फिर है इधर बराबर 2x + 1 और फिर x + 5 हो, तो x के मान पूछा है, ध्यान दीजिए पहले गुणा कर लीजिए यहाँ, तो ये दोनों में ये दोनों से गुना कीजिए, तो 2x में x से गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, 2x में 3 से गुना कीजिएगा, यह माइनस है कि प्लस है, प्लस है, 2x में 3 से तो 3 × 6 x हो जाएगा, प्लस 2 से 20 में तो 2x हो जाएगा, 2 से 3 में तो 6 हो जाएगा, और प्लस में ये 8 है, ठीक है, और फिर देखिए इधर 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस 5 × 10 x प्लस 1 में 1 से तो x हो जाएगा, प्लस 1 में 5 से तो 5 हो जाएगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट हटा दीजिए, 2x इधर भी है 2x इधर भी है, कट गया बराबर दोनों तरफ समान संख्या रहता है तो कट जाता है, अब देखिए 6 × 2 8x इधर हो गया, 8 × 6 = 14 हो गया, बराबर 10 × 1 = 11 x हो गया, 5 हो गया, अब देखिए 8x इधर प्लस में है, इधर 11x प्लस में है, तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 8 में से 11 घटेगा तो माइनस में 3 × x बच जाएगा, अरे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पहले से 5 प्लस में है, 14 में से 5 चल जाएगा तो 9 बचेगा माइनस में, माइनस माइनस कर जाएगा 3 से कर जाएगा 3 बार में, x का वैल्यू आ गया 3, यही आपसे पूछा है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग का पता है कि हम रात में वीडियो बना रहे हैं, दोस्तों हमारे आँख में भी नींद है, लेकिन क्या कीजिएगा, सब सोया हुआ है तो आप जागकर मेहनत कीजिए, तब आगे आप बढ़िएगा। ठीक है, सफलता का दूसरा नाम है मेहनत। ठीक है, मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। दोस्तों मान लीजिए कि ये खंभा है, जब ट्रेन इसको पार कर जाएगा तो सीन जो है ना इस पर कर रहेगा, ट्रेन का सीन हुआ इस पर कर दिखेगा। तो आप बताइए कि खंभा को पार किया, इसका मतलब यहाँ से चलना शुरू किया है ट्रेन और यहाँ पहुँच गया है, तब जाके इस खंभा को पार कर दिया है, तो इतना लंबाई किसका है, ट्रेन की ना लंबाई है, और इतना ही दूरी को तो 18 सेकेंड में पार किया है, कितना की चाल से पार किया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी निकाल लीजिए डिस्टेंस। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है 18 सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर में दिया है चाल, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, चाल हो गया और गुने समय, समय कितना 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड, 18 कट गया, 40 × 200 होता है, यानी 200 मीटर लंबा ट्रेन है। ठीक है, अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि a + b² और माइनस में a² - b² कुछ नहीं, तो a + b² में क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b² कट जाएगा, 2ab आंसर बच जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ a² + b² + 2ab, यहाँ माइनस में a² - b², -b² + b² कट गया, a² + a² - कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, क्या बच गया, 2ab बच गया, यही अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानी नहीं है क्या, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या, जिसकी व्यास 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका व्यास, तो केंद्र से परिधि को दोनों ओर छूने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं, इसी के मान पूछा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला π r² होता है, तो पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5/2, ब्यास के आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो 5/2, आर स्क्वायर 2 पर गुना में है, ब्यास के आधा त्रिज्या, तो ब्यास 5, त्रिज्या आधा। ठीक है, चलिए दूर से कर जाएगा 11/2, 11 × 25 और 7 × 14 गुना कीजिएगा, तो 11 × 2 अंक की संख्या से जब गुना करना रहे ना, तो 2 × 5 को हटा के, 2 × 5 सटा के मतलब जोड़ के बीच में, 7 × 14 दशमलव में आंसर है, क्या आंसर जो है दशमलव में है। चलिए भाग दीजिए, 14 × 1 = 14 कितना बचा, 13 बच गया, 13/135 हो गया, 14 × 26 = 126, 19.something ऑप्शन में है क्या, देखिए था 19, हाँ एक ही पहले है, 19.64, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों एक अंक से पकड़ाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, पूरा भाग दीजिएगा तो कंपटीशन एग्जाम में है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 729 का वर्गमूल क्या होगा, ये तो सबको पता है कि 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं देखिए अंतिम में ना होता या तो 7 आएगा या तो 3 आएगा। ठीक है, अब वर्गमूल है तो 2 हम छोड़िए, 7 को देखिए कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो हम जानते हैं 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, तो हमेशा छोटका लिखाता है, अब ये दोनों में से यहाँ कौन आएगा तो इसको गुना करने के बाद पता चलता है, तो 3 × 2 = 6, अगर 3 × 6 हुआ गुना करने के बाद, यहाँ से यहाँ वाला संख्या यदि बड़ा है तो दोनों में से बड़ा आएगा, छोटा रहता है यहाँ से यहाँ वाला छोटा रहता है तो दोनों में से छोटका आता, तो 6 से 7 बड़ा है तो बड़का लिखिए, 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 तक आप स्क्वायर याद रखिए, ठीक रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 9, 27, 81 अगला है डॉट। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ है 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 5 यानी 243 हो जाएगा। ठीक है, इस आपको याद होगा, 243 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन होगा, हाँ 45 नंबर क्वेश्चन होगा,
आज का अंतिम क्वेश्चन और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये तो फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह सेट खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हमने डील कर दिया, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है और लग रहा है कि आपको कि हमारे लिए मेहनत किए हैं हम रात में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।